नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo Reno 7 Pro 5G versus Realme GT Neo 3 5G 150 वॉट का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Reno 7 Pro 5G में 6.23 इंच जबकि GT Neo 3 5G 150 वॉट में 6.43 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Reno 7 Pro 5G में 2.88 इंच जबकि GT Neo 3 5G 150 वॉट में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Reno 7 Pro 5G में 0.3 इंच जबकि GT Neo 3 5G 150 वॉट में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Reno 7 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Reno 7 Pro 5G में 180 ग्राम जबकि GT Neo 3 5G 150 वॉट में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Reno 7 Pro 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Reno 7 Pro 5G में 20:9 जबकि GT Neo 3 5G 150 वॉट में 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Reno 7 Pro 5G में 6.55 इंचेस जबकि GT Neo 3 5G 150 वॉट में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Reno 7 Pro 5G में 1080x2400 और GT Neo 3 5G 150 वॉट में 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Reno 7 Pro 5G में 89.45% जबकि GT Neo 3 5G 150 वॉट में 87.79% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Reno 7 Pro 5G में 402 पिक्सेल प्रति इंच जबकि GT Neo 3 5G 150 वॉट में 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Reno 7 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और GT Neo 3 5G 150 वॉट की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Reno 7 Pro 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और GT Neo 3 5G 150 वॉट की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Reno 7 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और GT Neo 3 5G 150 वॉट में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Reno 7 Pro 5G में Mali-G77MC9 जबकि GT Neo 3 5G 150 वॉट में Mali-G610MC6 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Reno 7 Pro 5G में MediaTek Dimensity 1200 Max और GT Neo 3 5G 150 वॉट में MediaTek Dimensity 8100 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 12GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Reno 7 Pro 5G में Android V11 जबकि GT Neo 3 5G 150 वॉट में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Reno 7 Pro 5G 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 39,999 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें GT Neo 3 5G 150W की तो वो 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Oppo Reno 7 Pro 5G में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme GT Neo 3 5G 150W की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy Note 20 है, दूसरा Samsung Galaxy S21 5G है, तीसरा OnePlus 8T 5G है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme X7 Pro है, और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।